मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अभी जो है बज रहे हैं 11। तो आज थोड़ा लेट से उठी हूँ मैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं, बस खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, आप अपने लिए करो या ना करो, बच्चा अगर घर पे रहता है ना तो काम करना ही पड़ता है। तो अभी जो है बेटी का हो गया है दो सुबह का ब्रेकफास्ट, तुम ले नहीं आशो, जाओ नहीं आशो। तो अब वो खुद खाना बना रही है, खा रही है, क्योंकि मम्मी 11 बजे उठी है, खाना बनने में लेट होगा, नहीं उतना भी लेट नहीं होगा, सिंपल से मैं खाना बना रही हूँ और शाम को भी यही खा लूँगी, अलग से कुछ नहीं बनेगा। हस्बैंड को भी आज नहीं बना कर दे पाई हूँ लंच, वो उठाए नहीं, मुझे बोला कि तुम आराम करो है। और ब्रेकफास्ट वो खुद से मैगी बना कर खा कर गए। अभी जो है मैं बिस्तर का साफ कर रही थी, तो एवरी 2 or 3 ऑल्टरनेट डे ना मैं चेंज कर देती हूँ चादर। वैसे हम बिस्तर में उतना टाइम नहीं बिताते, लेकिन अगर घर में बच्चा हो तो ऑल्टरनेट डे करे तो अच्छा होगा। लेकिन हमारा जो है ना बिस्तर चादर जो है वो उतना गंदा नहीं होता, फिर भी मैं 2 से 3 दिन रिपीट करके 2 से 3 दिन मैं कर देती हूँ। तो अभी वही कर रही थी, दाराओ दिच्छी हमें एक पूरी है तापड़े दिच्छी है। तो खाने की रेसिपी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, और हो सके आज व्लॉग जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि जल्द से जल्द खाना बनाकर उसके बाद जो है बेटी को नहलाना है, उसको खिलाना है, खुद नहाना है। और आप अगर घर में रहते हो ना तो तबीयत खराब हो या ठीक हो, अगर खराब हो उसके वो ठीक होने के लिए भी घर को साफ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तबीयत ठीक हो वो ठीक रहे उसके लिए भी घर साफ करना ज़रूरी है। क्यों हो चमा नाना कुछ? तो ये उसका किचन सेटअप है, तो यहाँ पर वो खाना बनाती है, और ये है बेबी, यानी कि भाई बोलते हैं छोटा भाई, हाँ हाँ, और वो खाना बना रही है। हम लोग जो क्लॉथ में जो क्लिप देते हैं ना पिन करने के लिए, अगर सुखाने देते हैं कपड़ा, तो वो है उसका खाना, तो वही बोले खाना दो। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, इतनी देर में जो है मेरा खाना ऑलमोस्ट बन जाता है। लेकिन आज जो है प्रिपरेशन मैं घर के काम करते करते, घर साफ करते करते कर ली हूँ। अभी जो है सिर्फ बनाना बाकी है, फाइनल टच देना बाकी है। तो ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले खाना बनाऊँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स पहले मैं बता देती हूँ खाने में क्या बन रहा है। कढ़ाई मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, बहुत ही कम जो है मैंने ऑयल भी दे दिया है। और खिड़की में भी खोल रही हूँ, सुबह से भूल ही गई कि खिड़की भी खोलना है। तो ऑयल गर्म हो रहा है, पहले जो है मैं यहाँ पर बैंगन जो है हल्दी और नमक देकर कट करके धो करके मिला कर रखी हूँ, वो फ्राई करूँगी अभी। उसके बाद जो है बनने वाला है बंद गोभी, पूरा नॉर्मल है, इजी वे से बनता है। बंद गोभी में जाने वाला है मटर, आलू, और ये जो मसाले हैं ग्रीन चिली है जिसको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है, और ये कुटे हुए अदरक, और ये है घर में शुगर बिल्कुल नहीं था तो जैगरी पाउडर, ये है धनिया और जीरा, ये टमाटर, और ये जो है कहा गया इलायची। चाय तो जब बन जाए पूरा तो उस टाइम पर घी देकर इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो देती हूँ हमेशा इलायची। और बनने वाला है साथ ही दाल, घर में जो है हमारा हर एक ऑल्टरनेट डे दाल बनता है, और एक ही दाल नहीं बनता है, अरहर, वो उड़द की दाल, मसूर की दाल, दाल जो है हम लोग और चेंज कर कर के बनाते हैं। और दाल में जाने वाला है ये कच्चे वाले टमाटर, और ये धनिया पत्ता जो है वो कैबेज, और
दाल दोनों में जाने वाला है। तो बैंगन मैंने यहाँ पर दे दिया है। बैंगन जो है ना आप कम तेल में ही हमेशा फ्राई कीजिएगा, क्योंकि वो तेल सोख लेता है। बाद में जब आप इसको कहीं पे रखोगे ना तो बर्तन में जो है ना आप देख पा रहे हो पाओगे कि पूरा भर जाता है ऑयल, क्योंकि ले लेता है उसके बाद जो है वो छोड़ देता है। तो ठीक है, बैंगन में फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं पहले कैबेज बना लूँगी। तो यहाँ पर बैंगन मैंने निकाल लिया है और घर साफ करते करते इस तरफ मैंने राइस भी बिठा दिया था, वो कंप्लीट हो चुका है अभी। तो कढ़ाई पे हमने फिर से ऑयल दे दिया है, उसको थोड़ा मिला देंगे। उसके बाद जो है हम पहले इसमें देने वाले हैं फ़ौरन। तो आज जो है ये होल जीरा होता है ना, तो वो हम फ़ौरन में देंगे, तो बहुत ही कम देंगे, होल जीरा फ़ौरन में देंगे। और जो है एक तेज पत्ता बीच में से ऐसे तोड़ के बस। उसके बाद जो मैंने पोटैटो है धोकर रख दिया था, तो वो मैं दे दूँगी। अगर आप थोड़ा तबीयत ख़राब हो ना तो थोड़ा कटिंग वटिंग टाइम लेकर कर लीजिए ऐसे, तो उसके बाद जो है ना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। ये जो है चॉप करने में भी टाइम लगता है। और आज क्योंकि मैंने ये बंद गोभी जो है प्रेशर कुकर में भी 2 से 3 सीटी लगा दिया है नमक देकर, नमक नहीं दिया था, हाँ नमक नहीं दिया था, तो कर लिया है, तो और भी कम टाइम लगेगा। क्योंकि आलू का साइज़ भी आप देख पा रहे हो बहुत ही छोटा छोटा मैंने कट कर लिया है। तो आलू को पहले फ्राई होने देंगे। इतने देर तक हम ये जो मसाले हैं ना, यानी कि जिंजर, ग्रीन चिली, टमाटर, इलायची को यहाँ से हटा लेंगे, इलायची बाद में जाएगा, जाने वाला है। तो इसमें जो है थोड़ा सा पानी दे देंगे। पानी देकर अगर आप सूखे मसाले देते हो ना तो मसाले जो है वो जलने का डर नहीं रहता। और यहाँ पर हम थोड़ा नमक और हल्दी दे देंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा हल्दी दे देंगे। तो आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो ये फ्राई हो चुका है, अभी ये मसाला जो हमने यहाँ पर रखा है वो दे देंगे। और इसी के साथ ये मटर भी धोकर मैंने रखा था, वो भी मैं दे दूँगी, क्योंकि हमने जो है बंद गोभी बॉईल कर लिया है। और क्या कहते हैं इसको, आलू जो है बहुत ही छोटा छोटा चॉप किया है, तो ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लगने वाला ये होने में। और मटर जो है वो हमने पहले से बॉईल नहीं किया था, क्योंकि मैं मटर भूल गई थी, नहीं तो बंद गोभी के साथ, बंद गोभी में अगर मैं 3 सीटी लगाती हूँ तो बिना मटर के 2 सीटी लगवा कर उसको निकाल के फिर से और 1 सीटी लगवा लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने अभी दे दिया है, ठीक है, तो हो जाएगा। और बेटी आकर पीछे खड़ी है, क्यों है माँ? तो ये जो है पहले ऑयल छोड़ के उसके पास जो है हम इसमें कैबेज मिला लेंगे। और ये जो है अभी पूरा पका नहीं है, लेकिन जो है वो पानी भी कम हो चुका है, थोड़ी देर में ये ऑयल भी छोड़ना शुरू कर देगी। तो इसी टाइम पर जो हम होल इलायची लिए थे ना, तो उसको बीच में से थोड़ा ऐसे तोड़ के पूरे इलायची को दे देंगे। तो इसी मसाले में जो है वो इलायची का जो अच्छा सा स्मेल होता है ना, तो वो भी मिल जाएगा। तो ये जो मैं आज जो भी ये पूरा वेज है, तो खाना तो मैं वेज ही बना रही हूँ, वेजिटेबल पूरा है, कुछ भी अंडा अंडा फिश या फिर चिकन या मटन नहीं बना रही हूँ। लेकिन इसमें जो है पूरा वेज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने प्याज और जो अदरक तो दिया है, जिंजर गार्लिक लहसुन मैंने नहीं दिया है। तो ये जो है आप देख पा रहे हो ऑयल जो है पानी भी कम हो चुका है, ऑयल जो है बीच बीच में से छोड़ने लगा है। इसी टाइम पर हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे।
बंद गोभी मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसी के साथ जो थोड़ा हल्दी मैंने यहाँ पर दिया है और थोड़ा नमक भी अभी दे देंगे। स्वीट जो आप मेरे खाने में थोड़ा बहुत मिलेगा, आपको हर एक खाने में नहीं देती, लेकिन कुछ कुछ जो खाना होता है ना तो उसको आप अगर थोड़ा सा शुगर ऐड करते हैं ना तो खाने का जो है वो टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो नमक देते हैं या फिर चिली देते हैं ना उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ी दे देती हूँ। और कलर जो है आप देख पा रहे हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं कोई भी रेड चिली जो है ना वो ऐड नहीं कर रही हूँ, तीखी वाली या कलर वाली कोई भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये जो है बहुत जल्द बन जाता है, मटर भी हो जाएगा क्योंकि इससे बंद गोभी से अभी थोड़ा जो है पानी भी छोड़ेगा। तो आलू तो 70% हो ही गया है, बंद गोभी जो है 80% हो चुका है, अभी मटर होना बाकी है, उसके बाद जो है सब कुछ 100% हो जाएगा। उसके बाद मैं दाल बनाऊंगी और ये निकालने के बाद कैसा लग रहा है वो भी दिखाऊंगी। और निकालने के टाइम पर मैं जो है ये धनिया पत्ता ऐड करके थोड़ा मिलाकर उसके बाद इसको निकाल लूँगी। गोभी कंप्लीट हो गया है, मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, धनिया पत्ता देकर निकाला था। बैंगन फ्राई हो चुका है, तो उसी कढ़ाई को मैं जिसमें बनाई थी ना वो बंद गोभी, तो उसी को थोड़ा पानी से धोकर मैंने दे दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। और मैं जो है ज़्यादातर खाना बनाती हूँ सरसों के तेल में, व्हाइट ऑयल में सिर्फ पूरी तलता है या फिर पराठा घी और ऑयल मिलाकर। इसके अलावा मैं अगर कुछ भी थोड़ा बहुत बनाती हूँ ना पकौड़ी, वो भी मैं कोशिश करती हूँ सरसों के तेल में बनाने के लिए, अवॉइड करती हूँ। एक्चुअली व्हाइट ऑयल जो आता है वो राइस ब्रांड का ही आता है, लेकिन अवॉइड करती हूँ, तो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक सूखे मिर्च को तोड़ के, वो तो ये थोड़ा छिड़क जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो गोल सरसों होता है ना वो, तो सरसों जब अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जो कच्चे टमाटर हमने काट के रखे थे वो दे देंगे। टमाटर मैंने दे दिया है, इसको गलाना नहीं है लेकिन थोड़ा नरम करना है। ये मैं नमक दे दूँगी, आप चाहे तो जब दाल में बॉयल लगा रहे हैं ना
उसी टाइम पर ये टमाटर उसमें दे सकते हैं। तो मैं काम कर रही थी वापस, मैं भूल गई थी, कट कर लिया था लेकिन दाल को धोकर जब मैंने बिताया ना तब देना भूल गई थी। तो इसको थोड़ा सा नरम होने देंगे। थोड़ा नरम होने के बाद जैसे देख पा रहे थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें हम जो दाल हमने लाया था ना वो देखेंगे। और पीछे से आवाज़ एडजस्ट करके आ रही है, दाल इसमें हम देखेंगे। इसको अच्छे से बॉयल लगा लेंगे और थोड़ा बॉयल आ जाएगा जब तब धनिया पत्ता ऐड करेंगे। और उसके बाद जब अच्छे से ये खोल जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। तो आज जैसे मैंने बताया लंच में बंद गोभी, बैंगन फ्राई और दाल बन रहा है। तो आज मैं वीडियो और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो वीडियो अगर किसी भी कारण से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सजेशन आपके पास है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दाल थोड़ा हो जाएगा उसके बाद हम धनिया पत्ता देकर इसको निकाल लेंगे उसके बाद। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।